हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने कमेंट्स में कुछ पढ़ा कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम जो बिजनेस ला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। दो तीन स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए हैं मेरे पास कि मैम बिजनेस लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, कि इसके नोट्स बनाए हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैंने स्पेसिफिक पूरी बुक में से देखिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेसिफिक अगर आप ये मतलब आपके बुक में जो वीके की बुक है, अगर आप वीके की बुक में से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, तो उसमें 26 चैप्टर्स हैं जिसमें से मैंने 13 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उसको निकाला है और यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो जोन जोन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं उसमें से क्वेश्चन निकाले हैं, चैप्टर के साथ में क्वेश्चन लिखे हैं कि ये चैप्टर नंबर इसमें से क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर इसमें से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन एंड डिस्कस इन ब्रीफ द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 3, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कैसे वैलिड होता है, क्या क्या एसेंशियल्स है जिसको पूरा करके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, और साथ साथ अपनी बुक उठा लीजिए, बुक में चैप्टर नंबर 3 को वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चैप्टर 3 आपको कवर करना पड़ेगा पूरा, चैप्टर नंबर 3 आपका। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, डिस्कस। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में भी पूरा क्वेश्चन आपको करवा रखा है, आपको मेरी बिजनेस लॉ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये वीडियो इस क्वेश्चन की मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 से कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, डिस्कस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द वेरियस पर्सन्स रिगार्डिंग एज इनकम्पिटेंट बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल वे में कैपेबल होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कौन कौन से पर्सन हैं जो इनकम्पिटेंट हैं, मतलब जो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइनर हो गए, ल्यूनेंट पर्सन हो गए, ठीक है, जो जिनको दिमाग की हालत जिनकी सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे आपको उसमें दे रखे होंगे बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 5 में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6 से, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड कोएरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके बारे में जो आपको बुक में पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में फ्रॉड के बारे में होगा, कोएरिजन के बारे में होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में होगा, उसके मीनिंग पढ़ लेना, और जो भी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी कुछ दे रखा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, और मैंने भी अपने जो प्लेलिस्ट में करवा रखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएरिजन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है रियल में फ्रॉड कोएरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, आगे देखिए, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 में से, एक्सप्लेन द टर्म ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नरेट रूल्स रिगार्डिंग देम, यानी कि ऑफर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाला पर्सन ऑफर करता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, तब फिर क्या होता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके रूल्स बताने हैं उसके रिगार्डिंग, चैप्टर नंबर 4 में से आपको ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 12 में से, देखिए, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज, कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कब होता है, एक तो जब उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है जब डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर उसको गलत वे में किया जा रहा है, फ्रॉड हो गई, कि उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, तब वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट दे रखे हैं चैप्टर नंबर 12 में, वो वहाँ से कर लेना। ठीक है, आगे देखिए, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 15 में से,
What do you mean by contract of indemnity and guarantee? What is the difference between the two? मैंने भी आपको करवा रखा है ये क्वेश्चन कि indemnity क्या है, guarantee क्या है और difference क्या है इन दोनों में, मेरी playlist में मिल जाएगा आपको, वैसे chapter number 15 में से है ये. Contract of indemnity क्या है और contract of guarantee क्या है और दोनों में difference क्या है, ठीक है. आगे देखिए chapter question number 8, chapter number 16 बहुत important है, बहुत ध्यान से करना. What is bailment? बेलमेंट क्या है, डिस्कस द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर एंड द बेली, ठीक है. बेलर और बेली दो मेन पर्सन होते हैं, दो पार्टी होती है बेलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी राइट्स क्या है, दोनों करना अच्छे तरीके से. मैंने अपनी मेरी जो प्लेलिस्ट है बिजनेस लॉ की उसके अंदर डाला हुआ है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली ये भी करवा रखा है, ठीक है. वहाँ आप मैं आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के, तो आप सीधा प्लेलिस्ट खोल लेना वहाँ से और सारे जो भी हैं इससे रिलेटेड पढ़ लेना, ठीक है. जो डिफरेंस वाला भी करवा रखा है ना मैंने, जितने भी डिफरेंस वाली वीडियो हैं, तो वो डिफरेंस वाली वीडियो आप कर लोगे ना तो आपको वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि भाई डिफरेंस में ये क्या होता है. मान लो कोएरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वहाँ से कोएरिजन के बारे में पता चल जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में पता चल जाएगा. तो अगर आप क्वेश्चन सिर्फ आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का आता है तो डिफरेंस वाले में से अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले पार्ट में से आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 18 से. व्हाट इज मीन बाय टर्म क्रॉसिंग ऑफ चेक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जो आपका चैप्टर है ना, बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है. जिसमें से मैंने एक ये क्वेश्चन निकाला है क्रॉसिंग ऑफ चेक वाला, कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है. ये पढ़ लेना आप चैप्टर नंबर 18 में से. और चैप्टर नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. चैप्टर नंबर 20 से है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और सेल एंड एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट ऑफ सेल के बीच में क्या डिफरेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस, और ये डिफरेंस मैंने अपनी बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में भी कराया हुआ है. क्या डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, इस नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चैप्टर नंबर 21 से आया है ये. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड वारंटी, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंप्लाइड कंडीशन कौन सी होती है एंड वारंटीज, इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होती हैं, ठीक है. ये भी मैंने करवा रखा है मेरी बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, ठीक है. तो वहाँ से देख लेना आप, ठीक है. आगे देखिए 12th क्वेश्चन आया है हमारा चैप्टर नंबर 24 से. तो व्हाट इज मीन बाय अनपेड सेलर, ये भी मैंने करवाया हुआ है बिजनेस लॉ की अगर प्लेलिस्ट आपने पढ़ी होगी तो. व्हाट इज मीन बाय अनपेड सेलर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर है उसके राइट्स क्या क्या होंगे, ठीक है. 13 देखिए चैप्टर नंबर 26 से आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से. व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपका क्या अभिप्राय है. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन, कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को एक्सप्लोइट किया जाता है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई, उनको कुछ मात्रा कम देना, मतलब कि क्वांटिटी कम देना, इस तरीके की बहुत सारी दे रखी होंगी आपको उसके अंदर, वो सारी आपने पढ़नी है और इसको यहाँ से क्लियर करना है. और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले में से एक काउंसिल वाला क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म जो भी था ना, वो वाला क्वेश्चन और कर लेना आप अच्छे तरीके से, 26 चैप्टर में से ये कर लेना, ठीक है. तो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, ये मतलब देखो आपके 26 चैप्टर हैं, 26 चैप्टर में से मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवाए हैं, 13 मतलब यानी आपका सिलेबस हो गया हाफ, ठीक है, 26 में से 13. तो अगर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से टिप्स पे रट लोगे ना, तो आपका ये लगा लो 60-70% मार्क्स तो पक्का है, मतलब कि इतना तो आप कर ही सकते हो इन क्वेश्चन को, अगर आप टिप्स पे रट लोगे कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से इसको करना है आपने. तो स्टूडेंट्स अच्छे से
आप अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा बिजनेस लॉ का या फिर किसी और सब्जेक्ट का, तो आप मुझे बताइए कि हाँ मैडम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, इस टॉपिक पे बना दो, वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है बीच में, कभी कुछ मुझे कुछ काम आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आए ये वीडियो, मैं तो यही प्रे करती हूँ कि हाँ आपके काम आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।